दोस्तों आप देख सकते हो कि महेंद्रपाल दानगढ़ जी ने भूख हड़ताल कर रखी है। दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठे और उनकी तबीयत अब बिगड़नी शुरू हो चुकी है। ये दैनिक जागरण की खबर है जो मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। मैं आपको पढ़ करके भी सुनाऊँगा, साथ में ये भी बताऊँगा कि विकास त्रिपाठी जी की एक वीडियो है जिसमें बताया गया है कि पंजाब के अंदर महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ आखिरकार क्यों भूख हड़ताल पर बैठे, इसके पीछे क्या कारण है। तो पहले मैं एक खबर सुना देता हूं, उसके बाद आप वीडियो देख लीजिएगा। ये पंजाब के मानसा की खबर है कि चिटफंड कंपनी पल्स के मालिक निर्मल सिंह भंगो के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इंसाफ की आवाज़ संस्था के पदाधिकारियों व पल्स कंपनी में निवेशकों का अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। वीरवार को धरने पर बैठे नेता दानगढ़ की सेहत खराब हो गई, जिस पर उनका उपचार करवाया गया। इस मौके पर इंसाफ की आवाज़ के सूबा प्रधान गुरतेज सिंह ने कहा कि तबीयत बिगड़ने पर दानगढ़ की देखरेख के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि पल्स कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर 2 दिसंबर को मानसा में रोष रैली निकाली जाएगी। इस मौके पर वीरवार को लगाए धरने में असूल मंच पंजाब के नेता गुरजिंदर सिंह, CPI, ML लिबरेशन के सूबा प्रधान राजविंदर सिंह, लोकतांत्रिक किसान सभा के ब्लॉक प्रधान जरनैल सिंह मौजूद थे। सेहत बिगड़ने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। चिटफंड कंपनी पर कार्यवाही को लेकर निवेशकों का धरना जारी। दोस्तों ये पेपर में न्यूज़ आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ विकास त्रिपाठी की वो वीडियो जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग राजनीति से जोड़ करके ये मुद्दा देख रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार महेंद्रपाल दानगढ़ ने पंजाब के अंदर पिछले 2-3 दिनों से भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं इसके पीछे। और एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ AISO संगठन की, जिन्होंने 25 नवंबर को एक प्रदर्शन किया, लोढ़ा कमेटी से मिलने की उनकी मांग थी। अपनी जो भी मांग है वो लोढ़ा कमेटी के सामने बैठ करके देना चाहते हैं। तो पुलिस प्रशासन उनकी मदद की है और देखिए किस तरीके से आश्वासन दिया है, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 25 नवंबर जो लखनऊ का कार्यक्रम हुआ, या कह सकते हैं पूरे देश में सेबी के ऑफिस का जो घेराव हम पीड़ित साथियों के साथ में हुआ, बहुत सफल रहा। अधिकारी दबाव पर थे और बहुत जल्द उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हम पीड़ित साथियों के सामने नजर आएगा। उधर आपको ये भी बताते चले, 25 तारीख को ही हमारे मानसा जिला, ये पंजाब प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे हमारे AISO के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करते थे महेंद्र दानगढ़ जी, जो कि भारतीय लोक सेवा दल के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भूख हड़ताल जारी किया है। अब समझना ये है कि भूख हड़ताल क्यों जारी किया है, इसको कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें भी राजनीति समझ में उनको आ रही है। बताते चले कि 600 एकड़ जमीन जो हमारे पल्स कंपनी के मालिक निर्मल सिंह भंगू की बहन मंजीत कौर जी अपने कब्जे में किए हुए थी, वो उन्होंने किसी को ट्रांसफर कर दी है और उसके एवज में कीमती जमीन, एक कुछ जमीन उन्होंने ली है, ताकि कमेटी को, जो RM लोढ़ा कमेटी है, उनको ये मालूम ना चल पाए। आपको बताएं कि अगर ऐसी ही ज़मीनें ये बिकती जाएंगी तो क्या हमें सरकार से भी या कमेटी पैसा दे पाएगी। उसके अलावा हम सभी अपने साथियों से आग्रह और निवेदन करेंगे, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, आपको गैस की जो सब्सिडी मिल रही है वो भी नहीं देती है, तो ये तो भूल जाइए कि सरकार अपनी जेब से पैसा देगी। अब जो ज़मीनें हमारे पैसों से कंपनी ने लिया था, वो ज़मीनें बचे, और ज़मीनें तभी बचेंगी जब हम इन पर संघर्ष करेंगे। देखिए, दबाव हर जगह बनाने की ज़रूरत है। 25 नवंबर का दबाव बना, अच्छा है, काम होगा, तेज होगा, जो पैसे उनके पास आए ज़मीनों के, वो हमारे भुगतान में जल्द से जल्द वो
देंगे। पर जमीनें भी हमारी बचनी चाहिए, या जमीनें जो बिक गई हैं या बेचने के लोग तैयारी में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर दबाव बनाएगा उनके ऊपर कि ये कार्यक्रम ना करें। अगर ये FIR उनके परिवार के लोग जब जेल जाने लगेंगी, उनकी लेडीजें जब उनके परिवार की परेशान होने लगेंगी, जैसे हमारे और आपके परिवार की लेडीजें दिल्ली बम्बई जा रही हैं, लखनऊ जा रही हैं, अगर वो लोग भी थाना और कचहरी करने लगेंगे, तो मानिएगा कि बहुत जल्द हम लोगों के रास्ते खुलेंगे और बहुत जल्द सफलता मिलेगी। इसलिए ये हमारा आग्रह नहीं है, निवेदन है, अनुरोध है एक पीड़ित भाई का, कि पूरे देश को मालूम हो चुका है कि भूख हड़ताल वहाँ चालू है। कोई ये कह दे कि हमको भूख हड़ताल के विषय में जानकारी नहीं है, सारे पेपरों में जो नेशनल पेपर हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक भास्कर हो, सारे पेपरों में निकला है, तो और सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ में चल रही है ये खबर। तो मेरा निवेदन है महेंद्र दानगढ़ जी का समर्थन करें सभी संगठन के लोग। और मैं प्रॉपर 3 दिन से लगा हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, और अगर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनेगा, ज़्यादा संख्या बल जब पहुँचेगी तो FIR होगी, जब FIR होगी तो वो जो ज़मीन बिक गई है वो हम सबको वापस मिलेगी। इसी लिहाजा हम सभी अपने कार्यकर्ता और खासकर पंजाब या पंजाब के आसपास के जिलों से निवेदन मैं जरूर करूंगा, और सभी संगठन, क्योंकि संगठन सभी जगह हैं, तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, लक्ष्य एक है। और क्योंकि अपना दर्द तो महसूस किया जा सकता है, पर अगर औरों का दर्द महसूस आप करेंगे तो सबसे बड़ी इंसानियत होगी। और बहुत जल्द मैं भी जाऊंगा, तबीयत थोड़ी ख़राब है, अपनी भी है, घर में भी है, पर ये काम हम सबका है, इसमें न्योता देने का कोई काम बनता नहीं है। पर मैं पीड़ित हूँ, परिवार पीड़ित है हमारा, चाहते हैं पैसा हमारा जल्द आए, कुछ काम हमारे होने हैं उन पैसों के। पहली बार जब भी आप लोग आए थे तो हमने आपकी पूरी बात मान रखा है, आपके लिए जो भी अच्छा हो सकता है तो वही मैंने कराया। आज भी काफ़ी लंबी वार्ता हुई, जो भी पॉइंट थे उसको अच्छे से डिस्कस किया गया, हमने भी सबने आपकी तरफ से सबको बात की गई, और इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि तुरंत किसी का जवाब आना मुश्किल है, तो आपके सारा जो प्रतिनिधिमंडल ने जो दिया था उसको ऊपर भेजा गया, कई बार ऊपर वार्ता कराई गई, तब फिर एक आश्वासन मिल गया है। जल्द से जल्द आप लोग की AISO कमेटी की मीटिंग टोडा कमेटी से होने की, और जो इन्होंने और पॉइंट दिए थे उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई। जो नए आपके वहाँ पर आ गए हैं सीबी के अधिकारी निंदा राशि, काफ़ी पॉजिटिव है उनका रिस्पॉन्स, और बहुत जल्दी वो कार्य उसको निस्तारण कराएंगे, बहुत जल्द कराएंगे, ये हमारी तरफ से भी आपको आश्वासन है, और उधर से तो आश्वासन मिल ही रहा है आपको। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से प्रत्येक संगठन पल्स का पैसा वापसी कराने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। ये AISO के पदाधिकारी है जिन्होंने 25 नवंबर को एक धरना प्रदर्शन किया, और ये पुलिस अधिकारी बराबर में इनको बोल रहे हैं। आपने वीडियो देखी होगी कि जो पहले भी आश्वासन दिया था कि लोढ़ा कमेटी से मुलाकात करना चाहती है AISO संगठन, मुलाकात करके एक अपना जो मांग है वो मांग रखना चाहती है, आमने सामने बैठ कर के बात करना चाहती है, जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन लेना चाहती है। तो आपने वीडियो देख ली है, तो इस पर भी पुलिस अधिकारी ने कहा है कि बहुत जल्द लोढ़ा कमेटी से AISO संगठन को मिलने दिया जाएगा, और वे अपनी बातों को रख सकती है, जिससे कि पैसा वापसी की राह थोड़ी आसान हो सकती है। हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है,
अभी आपने देखा कि किस तरीके से अमित गर्ग जी ने भी एक आगरा के पीएसएल के ऑफिस को खोल करके कुछ राज फाश किए हैं। अभी उसमें भी और राज हैं, मैं आपको और भी सबूत दिखाऊंगा अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।